नाइग्रा फॉल जाने का एक ड्रॉबैक ये था कि वो दिन में 10 से 12 लोगों को ही लेते, तो दूसरा रास्ता था। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैग पोलिंग के बारे में। तो फ्लैग पोलिंग क्या है, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो फ्लैग पोलिंग एक प्रोसेस है जो हमें बॉर्डर पे से वर्क परमिट लेनी है। तो बॉर्डर पे से वर्क परमिट कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने कैसे फ्लैग पोलिंग किया, मैं आज वर्क परमिट बॉर्डर से लेके आया। तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या आपको ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ। कितने तरीके हैं फ्लैग पोलिंग के, कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो फ्लैग पोलिंग पहले तो US कैनेडा बॉर्डर पे होती है। जब आप किसी बॉर्डर से कंट्री के अंदर आओगे तब आपको वहाँ पे परमिट मिलती है। तो हमें क्या करना है, कैनेडा से पहले बाहर जाना है US में, और USA से वापस आओगे कैनेडा, तो उसे बोलते हैं फ्लैग पोलिंग। तो जब मैंने स्टार्ट करी, मेरे पास 3 से 4 तरीके थे। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरे को 3 बॉर्डर नज़दीक होती है। एक होती है विंडसर, एक नाइग्रा फॉल एंड एक है सानिया बॉर्डर। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे और बहुत सारे फ्रेंड्स को भी पूछा। तो सभी लोग नाइग्रा फॉल जाते थे। नाइग्रा फॉल जाने का एक ड्रॉबैक ये था कि वो दिन में 10 से 12 लोगों को ही लेते। ये बात कितनी सच है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड जो गया था उसने मुझे ये बात बताई थी, क्योंकि उसके साथ ये सेम चीज़ हुई थी। वो जब पहले दिन गया, सुबह 5 बजे वहाँ पे टच हो गया था। इमिग्रेशन वाले 8 बजे चालू करते, तो उस टाइम पे इमिग्रेशन पे 10 बंदे जो 12 बंदे हैं उनको लेते हैं प्रोसेस के लिए अंदर, और बाकी सबको घर भेज देते हैं। तो मेरा फ्रेंड गया तो उसका पहले दिन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन वो 2 बजे गया और सुबह 8 बजे विंडो खुली, तो उसको वीज़ा मिल गया, फाइनली वर्क वीज़ा एक्सटेंड मिल गया। तो अभी मुझे वो पूरी रात खड़ा नहीं रहना था, और मेरा ये था कि जाऊंगा फिर लेके आऊंगा। तो दूसरा रास्ता था सानिया बॉर्डर। तो सानिया बॉर्डर 24/7 चालू रहती है, तो मैं सानिया बॉर्डर पे आया था। तो बस यहाँ तक थी फ्लैग पोलिंग की बातें। तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। तो जब मैं सानिया बॉर्डर आया तो कैनेडा से US गया। ये ब्रिज देख लो आप, मैं ब्रिज के नीचे ही बैठा हूँ। इस तरफ हम कैनेडा की तरफ है और आपको उस ब्रिज को क्रॉस करके US जाना है। तो यस, सो मैं इस ब्रिज से यहाँ से कनाडा से US गया था, और US जाने के बाद वापस अंदर कनाडा आना है। जाते वक्त कितना खर्चा हुआ वो बताता हूँ। जाते वक्त पहले मुझे टोल चार्ज देना पड़ा $6, फिर जैसे US बॉर्डर आ गया तो US बॉर्डर पे मैंने $12 पे किए। फिर वहाँ पे कुछ इंक्वायरी हुई, वो शायद 15-20 मिनट चली। फिर मुझे उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हो, मैंने बोला फ्लैग पोल के लिए आया हूँ, तो मुझे उन्होंने रिटर्न भेज दिया कनाडा, क्योंकि मैं फ्लैग पोल के लिए आया था। रिटर्न आया तब मैंने यहाँ पे आके, जब तब आती है कैनेडा इमिग्रेशन, तो कैनेडा इमिग्रेशन वालों ने मुझे सारी इंक्वायरी करी, क्यों चाहिए वर्क परमिट हमसे ही, क्यों चाहिए अभी, क्यों चाहिए। मेरे जो भी वैलिड रीज़न थे मैंने दे दिए, जो भी सही था वो बता दिया। आपको क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है वो चीज़ें स्पेशल बता देता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने कॉलेज कम्प्लीट करी है तो कम्प्लीसन लेटर, आपका जो भी जॉब का एम्प्लॉयमेंट लेटर है, या फिर जॉब की ज्वाइन किए तो उनकी एम्प्लॉयमेंट लेटर है, पे स्टब और जो भी एजुकेशनल और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके, वो सारे लेके आइए। तो ये मेन चीज़ थी। पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा आ रहा है, या फिर राइडर हो, या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको काम नहीं है, जिसका कुछ, वो बस ऐसे ही आपको सपोर्ट करने आए, तो उसका पासपोर्ट लेके आने को बोलिए, क्योंकि पासपोर्ट यहाँ पे चाहिए US बॉर्डर पे, जहाँ पे आपको रिटर्न आना है। US वीज़ा होना मैंडेटरी नहीं है। तो इतनी चीज़ें थी। अंदर गया तो उन्होंने जो भी क्वेश्चन आंसर किए, मेरा 2 घंटे इंटरव्यू चला, मेरा और मेरी स्पाउस का दोनों का इंटरव्यू लिया। तो बस सारी चीज़ें हमने बताई, और 2 घंटे के बाद फाइनली वर्क परमिट लेके आ गए, और मेरी वर्क परमिट अभी मेरे पास आ गई है, और मैं अभी वापस आया बीच पे। तो अभी यहाँ पे एक बहुत ही नज़ारा अच्छा है, तो आज 1-2 घंटे यहाँ बिताएंगे फिर घर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए इसके बारे में, फ्लैग पोलिंग के बारे में, मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डू रिप्लाई वॉट एवर, मुझसे जो भी हेल्प हो सके मैं करूँगा। तो बस आपको यही मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि सानिया बॉर्डर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये 24/7 रहती है, तो कोई इश्यू है नहीं। आप आओगे तो वर्क परमिट तो लेके ही जाओगे, वैलिड रीज़न के साथ आइए। और इन्होंने मुझे ये बोला कि 90 डेज अगर नहीं हुआ है अप्लाई करने के बाद तो वीज़ा नहीं देंगे, लेकिन मुझे दे दिया। लेकिन मैं एक चीज़ और भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 90 डेज से पहले आ रहे हो, आपको कोई जल्दी है वीज़ा नहीं, तो आप रीज़न एक दे सकते हो कि मुझे इंडिया जाना है मेडिकल रीज़न से, मेरे फैमिली में कोई मेडिकल सीरियस इंजरी है तो मुझे जाना है, तो इसलिए मुझे वर्क परमिट चाहिए। मे बी दिस रीज़न वर्क्स फॉर यू,
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड स्प्रेड लव एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।